नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सीहोर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव पर 11 से 17 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले भर में अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर नगर के पुलिस परेड ग्राउंड, जिला कोर्ट, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा आवासीय खेल परिसर से विशाल जन जागरण रैली निकाली गई। आवासीय खेल परिसर से निकाली गई हर घर तिरंगा जन जागरूकता रैली में कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर, एसपी मयंक अवस्थी, जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह एवं अपर कलेक्टर गुंचा सनोबर सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी एवं एनसीसी स्काउट के कैडेट्स तथा विद्यार्थी शामिल हुए। यह जन जागरूकता रैली भोपाल नाका से इंग्लिशपुरा रोड, कोतवाली चौराहा, मुख्य बाजार, लीसा टॉकी चौराहा होते हुए बाल विहार ग्राउंड पर समाप्त हुई। समापन अवसर पर कलेक्टर ने जिलों के सभी नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की और 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा लहराने का पूरे भारतवर्ष में प्रयास हो रहा है। इसी दिशा में हमारे शहर में भी आज हम लोगों ने भव्य तिरंगा रैली निकाली। बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए और सभी वर्गों के लोग, स्कूल कॉलेज के वकील और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित हुए और हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे जोश से, पूरे उत्साह के साथ 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं और 13 से 15 अगस्त तक मेरी अपील है सीहोर के सभी नगरवासियों से, ग्रामवासियों से कि अपने अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपना सहभागिता दर्ज करें। सर, आने वाली 15 तारीख तक और भी रैलियाँ निकाली जाएंगी? जी, अभी हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होगा ताकि लगातार इसका माहौल बना रहे और लोग अब याद दिलाते रहें कि आप अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी, जगह जगह तिरंगे बिखरे की दुकानें लगाई गई हैं तो कृपया बहुत ही कम दामों में तिरंगा उपलब्ध है, आप स्वयं उसको खरीदें और अपने घरों पर तिरंगा जरूर। सीहोर से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।